हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वो वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस कि आपको फेज टू के अंदर अपने सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखने हैं नबार्ड ग्रेडे का एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है एंड आप जानते हैं उसके अंदर आपके दोनों एलिमेंट्स हैं आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी है उसके अंदर और आपका सब्जेक्टिव एलिमेंट भी है सब्जेक्टिव एलिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है एग्जाम के अंदर प्ले करेगा क्योंकि इसके अंदर देखो ऑब्जेक्टिव के अंदर तो क्या होता है आपके पास पांच ऑप्शन है ठीक है और उन पांच ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन करेक्ट है बाकी के चार गलत है तो उसके अंदर क्या होता है कि या तो आपको आता है या नहीं आता है ठीक है या आप गेस वर्क करके लगा करके आते हो तो गिवन ऑप्शन में से आपको चूज करना है दूसरी तरफ आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज लाइक अ प्ले ग्राउंड जो आपका क्वेश्चन का कंटेक्सट है जो आपका क्वेश्चन का टॉपिक है वो क्या है वो आपकी बाउंड्री है जो भी जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है ना कि इसके बाहर नहीं जाना इसके बाहर गए तो फाउल ठीक है तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी एक बाउंड्री है और ये आपको बड़ी एक फील्ड देता है खेलने के लिए अच्छी खासी विद इन द बाउंड्री सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसी कोई फील्ड uh, नहीं है ऑब्जेक्टिव में बहुत लिमिटेड uh, सा गेम है एक लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर फील्ड जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी है बस आपको ध्यान रखना है कि आप इस बाउंड्री को क्रॉस ना करो बाउंड्री को क्रॉस ना करो यानी कि आप अपने क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के बाहर ना जाओ अगर आप अपने क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के बाहर चले गए तो आपका जो है आंसर गलत हो जाता है हाँ आप जब तक बाउंड्री के अंदर रहोगे तो आपके पास इनोवेटिव होने का बहुत ज्यादा स्कोप है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर तो इनोवेशन या इनोवेटिव होने वाला कोई कंटेंट ही नहीं है क्योंकि वहां पे तो पांच में से एक सही करना है आपको ऐसा नहीं है कि पांच के पांच ऑप्शन आपको गलत लिख रहे हैं तो आप वहां पर लिख करके आ जाओ कि नहीं इसका आंसर तो ये सिक्स ऑप्शन होगा पांचों के पांच गलत हैं ऐसा नहीं होता ठीक है पांच में से एक सही होगा लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर आपके पास स्कोप है सब्जेक्टिव के अंदर कोई डिफाइंड आंसर नहीं है सब्जेक्टिव के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो हम मॉडल आंसर की बात करते हैं कि हाँ यार आपके क्वेश्चन के अंदर एक मॉडल आंसर इस तरीके से बिल्डअप होना चाहिए लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एज इट इज मॉडल आंसर जो हमने दिया है वही आपको लिखना है ठीक है या जो हमने एज अ मॉडल आंसर में बोल दिया कि एज अ टीचर यही है ये क्वेश्चन में आना चाहिए वही आना चाहिए हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आपके पास हो और जो अच्छे पॉइंट्स हो जो मॉडल आंसर में से भी मिसिंग हो लेकिन टीचर जो चेक कर रहा है जो इवेल्युएटर है आपके पेपर का उसको पता है कि हाँ यार ये पॉइंट सही है तो वो आपको नंबर मिल जाएंगे तो इसके अंदर सब्जेक्टिव आंसर के अंदर स्पेशली अगर मैं ई और ए सेगमेंट की बात करूं तो वहां पर आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा होता है तो स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए इस आंसर राइटिंग के लिए उसी को हमने यहां पर डिस्कस करना है जो आपको नबार्ड ग्रेडे में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा जब मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूं ना तो ये स्ट्रैटेजी चाहे आपका ई का सब्जेक्टिव पार्ट हो चाहे आपका एआरडी का सब्जेक्टिव पार्ट हो और कहीं ना कहीं चाहे आपका जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर एस वगैरह हो उसका पार्ट हो वो सबके अंदर यह स्ट्रेटेजी जो है आपकी मोर और लेस सेम ही रहती है तो लेटेस्ट ट्राई टू डिस्कस दिस स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप जानते हो ऑलरेडी हमारा टू प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स जो है वो चल रहा है

अब ऐसा नहीं है कि बॉलर अगर इस पिच के बाहर जाएगा तो वाइड और उसको फिर पेनल्टी लगेगी एक्स्ट्रा रन देना पड़ेगा सिमिलरली आपको इस फील्ड के अंदर ही खेलना है बॉल अगर फील्ड के बाहर चली गई तो चौका या छक्का जो भी है वो होगा तो फील्ड है आपकी ठीक है लेकिन इस फील्ड के अंदर या इस पिच के ऊपर अब देखो बैट्समैन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बैट्समैन को एग्जैक्टली exactly बॉल किधर मारना है इधर मार सकता है कहीं पे भी

तो सब्जेक्टिव आंसर के अंदर भी आपको यह समझना है कि आपका बाउंड्री कहां पर है ठीक है आपके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो कहां पर है और आपकी रेस्ट्रिक्शन को कौन डिफाइन करता है जो क्वेश्चन का है कि आपसे अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन की डिमांड क्या है बहुत से बच्चे और मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं जब मैं बोलता हूं ना बहुत से बच्चे तो मैं जो बच्चे तैयारी करके जाते हैं सीरियसली जो तैयारी करके जाते हैं जो तैयारी नहीं करके जाते वो उस कैटेगरी में ही नहीं आते बहुत से बच्चे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके डिस्क्रिप्टिव के अंदर अच्छे स्कोर क्यों नहीं आते क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को ही नहीं समझते क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक क्वेश्चन था जो पिछले साल पूछा गया था ठीक है क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था आपका कि बताओ भैया सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है अब क्वेश्चन के अंदर ना जनरली आप जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा टेन मार्क्स का या फिफ्टीन मार्क्स का जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जनरली क्या होगा कि दो या तीन पार्ट भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट होंगे किसी के अंदर दस पार्ट होंगे ये मेनली आप देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था ये दस मार्क्स का क्वेश्चन था और दस मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको अराउंड फोर हंड्रेड वर्ड्स के अंदर लिखना होता है ठीक है दस मार्क्स का क्वेश्चन आपको कितने वर्ड्स में लिखना होता है फोर वर्ड्स में लिखना होता है तो क्वेश्चन क्या था कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है वॉट इज सोशल फोरेस्ट्री ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया दूसरा आपसे पूछा गया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल फॉरेस्ट्री के और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं बच्चों ने क्या किया काफी बच्चे जब ये आंसर लिख करके आए थे वो सोशल को डिफाइन करा है है यहां पर एक डेफिनेशन लिखनी आपने सिंपल सी जो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ही कवर अप हो जाएगी ये डेफिनेशन आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ही कवर हो जाएगी उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और फिर आपका कॉम्पोनेंट आ जाएगा और फाइनली आप इसको आंसर को कंक्लूड कर दोगे ठीक है तो क्वेश्चन समझ

तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है अब आपकी बाउंड्री क्या है कि आपको सोशल for फॉरेस्ट्री को डिफाइन करना है आपकी बाउंड्री क्या है कि आपको उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं और आपको उसके कंपोनेंट बताने हैं ठीक है थीके? डिटेल के अंदर हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन के बाद हम ऐसे ही आपसे मैं एक एक क्वेश्चन की आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर जिसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो बताऊंगा उसको उसके अंदर की पॉइंट क्या होने चाहिए वो बताऊंगा और अकॉर्डिंगली फिर आप उस आंसर को लिख करके खुद से देखेंगे ठीक है दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है जब आप बाउंड्री की बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही आपको यह तो पता चल गया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप सीक्वेंस को फॉलो करें जिस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी लिखने हैं अब फॉर एग्जाम्पल आपसे यहां पर सीक्वेंस क्या है सबसे पहले सोशल फॉरेस्टी फिर ऑब्जेक्टिव फिर कॉम्पोनेंट अब कई बच्चे क्या करेंगे कि यार वो पहले ऑब्जेक्टिव लिखने बैठ जाएंगे सोशल फॉरेस्टी की डेफिनेशन नहीं लिखी उसके कॉम्पोनेंट लिख दिए लास्ट में जाकर के उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है तो यहां पर आपका सबसे पहले आप डिफाइन करोगे फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव लिखोगे और फिर आप उसके कॉम्पोनेंट लिखोगे तो जिस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी करना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताऊं मैं पे आपको बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा छह सात पॉइंट बता रहा हूं और वही इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली क्या होता है टीचर ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं बच्चे को कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए ऐसा नहीं है बेसिक चीजें अगर आपको पता है ना उसके बाद तो फिर आप आंसर अपने आप लिखने आपको आ जाएंगे

आप कोई न्यूज पढ़ लो कोई आर्टिकल पढ़ लो उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है और वो यही स्ट्रक्चर है सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे इंट्रोडक्शन डालोगे अपना आंसर का ठीक है देखो जनरली जब हम लोग आंसर लिखा करते थे और हमारा टीचर हमको क्या बोलते थे कि आपका जो आंसर है जब आपका क्वेश्चन कोई चेक कर रहा है जो आपका इवेल्युएटर है उसने क्वेश्चन नहीं देखा इवेल्युएटर ने क्वेश्चन देखा ही नहीं क्वेश्चन क्या था आपका आंसर पढ़ के उसको पता चल जाए कि हाँ यार क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट रही होगी वो आपका आइडियल आंसर है कि क्वेश्चन देखे बिना सिर्फ आंसर पढ़ के अगर मैं ये बता पाऊं कि हाँ यार जरूर क्वेश्चन के अंदर ये ये चीजें पूछी होंगी तो आप का वो आइडियल आंसर जो है वो रहता है इंट्रोडक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के अंदर आप वेरियस चीजें डाल सकते हो आप किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर तो व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री यही आपका एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा इसकी डेफिनेशन ही आपका एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा ठीक है या फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले रिव्यू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ये भी क्वेश्चन था पिछले साल के पेपर में रिव्यू एमएसपी पॉलिसी तो इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे देख सकते हो क्वेश्चन का मेन कंटेक्स तो रिव्यू करना है एमएसपी पॉलिसी को कि एमएसपी पॉलिसी की क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं कितना सक्सेसफुल है कितना अनसक्सेसफुल है, है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं ठीक है ठीके? लेकिन आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे कि यार आपने एमएसपी को डिफाइन कर दिया सबसे पहले कि एमएसपी है क्या और एमएसपी को क्यों लेकर के आया गया जैसे मैंने एक आपके लिए एक लेक्चर बनाया था ना जिसमें हमने एनुअल रिपोर्ट डिस्कस की थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ठीक है उसके अंदर मैंने आपको दिया था कि यार ये इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन एज इट इज जो है आप यहाँ पर आंसर में अपने डाल सकते हो रिव्यू ऑफ एमएसपी पॉलिसी के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया उसके बाद फिर बॉडी आ जाएगी जो मेन कंटेंट है आपकी बॉडी का जो मेन कंटेक्स जो मेन क्वेश्चन है आपका वो आपने बॉडी के अंदर डाल दिया, ठीक है? थीके? अब आप एमएसपी पॉलिसी को रिव्यू करना शुरू करोगे ठीक है आप बताओगे कि एमएसपी पॉलिसी कब से चल रही है ठीक है कितने फार्मर्स को इसने बेनिफिट किया है कितने फार्मर्स को इसने बेनिफिट नहीं किया है ठीक है कितना एमएसपी पॉलिसी जो है कंट्री की इकोनोमी के लिए अच्छा रहा है फूड सिक्योरिटी का इसके अंदर परस्पेक्टिव आ जाएगा कि एमएसपी पॉलिसी कैसे फूड सिक्योरिटी के लिए कंट्री के इंपॉर्टेंट रहा है तो वो सारी चीजें आ जाएंगी एंड अल्टीमेटली आप कंक्लूड करोगे कंक्लूजन के अंदर आप डाल सकते हो कि एमएसपी पॉलिसी कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे करना है ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल एमएसपी पॉलिसी आपको लगता है आपके जो पॉइंट है वो आप ये शो कर रहे हैं कि यार एमएसपी पॉलिसी ने इतना बेहतर काम नहीं किया क्योंकि बहुत से फार्मर्स जो है वो अभी तक अवेयर ही नहीं है एमएसपी पॉलिसी के बारे में ठीक है तो अल्टीमेटली आप कंक्लूड कर सकते हो कि पॉलिसी अच्छी है लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन को और ज्यादा बेटर जो है है वो बनाया जा सकता है। तो तीन या चार लाइनों में आप उस तरीके से उसको कंक्लूड कर दोगे तो इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है अब जनरली जब हम बच्चों के आंसर चेक करते हैं तो दो पॉइंट हमने नोटिस किए हैं कि बच्चे इंट्रोडक्शन और बॉडी तो डाल देते हैं लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन नहीं डालते मैक्सिमम बच्चों के आंसर के अंदर कंक्लूजन मिसिंग होता है उसके रीजन क्या है या तो उनको उनके पास पॉइंट नहीं बचा कि हम कंक्लूड कैसे करें देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे मुश्किल चीज होती है पेपर के अंदर ठीक है कि शुरुआत मिल मिल जाए जाए या अंत मिल जाए, बीच में तो हम लिख देंगे तो और यही सबसे चैलेंजिंग होता है या तो उनके पास पॉइंट नहीं बचता या फिर वर्ड्स नहीं बचते तो दोनों चीजों आपको ध्यान में रखनी है कि कंक्लूजन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो चीजें आपने अभी तक ऊपर लिखी हैं बस आपको उसको दो या तीन लाइनों में समराइज करके कंक्लूड करना है ठीक है कि थिंग्स कैन बी मेड बेटर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ कैन बी इन द कंक्लूजन ठीक है जी अब जैसे कई स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं कोई बच्चा जैसे एक बार पिछली बार क्वेश्चन था व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग वन पार्ट उसका फिर दूसरा पार्ट था एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑफ क्रॉस क्रॉस ब्रीडिंग ब्रीडिंग व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अब बच्चा कहता है कि सर इसको कंक्लूड कैसे करें तो आपने पूरे का पूरा आंसर लिख लिया लास्ट में आप लिख दो कि क्रॉस ब्रीडिंग इंडिया के लिए कैसे यूजफुल रहा है आप लिख सकते हो कि इंडियन जो ब्रीड्स हैं उनका जो यील्ड है वो लो है और क्रॉस ब्रीडिंग हैज समहाउ हेल्प इंडिया टू इंक्रीज द यील्ड

तमिलनाडु में बैठा है लिंकेज बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप इंट्रोडक्शन से बॉडी के ऊपर जा रहे हो बॉडी से कंक्लूजन के ऊपर जा रहे हो तो एक लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए एक लिंक स्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है जैसे अब हमने आपको ये पीछे क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री इसकी डेफिनेशन को आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया अब ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट आपके बॉडी का पार्ट होने वाला है तो जब आपने लिंक करना है ना डेफिनेशन को और बॉडी बॉडी के body में ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट को तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक स्टेटमेंट डाल दोगे सोशल फॉरेस्ट्री हैजेर ऑब्जेक्टिव आर तो एक लिंकेज स्टेब्लिश हो गया ठीक है ऐसा नहीं चलना जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी वाला स्टेटस लेकर के नहीं चलना लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है चलो नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है अगर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जाता है जैसे आप पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हो जैसे क्वेश्चन था कि रिव्यू एमएसपी पॉलिसी उसके अंदर आपने इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं डालनी अकॉर्डिंग टू मी बच्चे डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यू मस्ट नॉट और यू आर ये जो है आपने ये कंप्लीटली गलत है आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वहां देने नहीं बैठे हो आप अभी उस लेवल के ऊपर नहीं हो कि आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सको अगर किसी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया जैसे एमएसपी पॉलिसी तो यू आर नो वन टू क्रिटिसाइज अ पर्टिकुलर पॉलिसी जो भी आपने पॉइंट्स लिखने हैं वो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से लिखने है। और हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि आप डाटा और रिपोर्ट्स को यूज करो आपको अगर कोई एमएसपी पॉलिसी का पॉइंट क्रिटिसाइज करना है तो आप लिखोगे आपके पास अगर कोई डाटा पॉइंट है या कोई रिपोर्ट है एज पर नीति आयोग एज पर नीति आयोग और आपके पास नीति आयोग की उस रिपोर्ट का नाम भी होना चाहिए एज पर नीति आयोग एनुअल रिपोर्ट और एज पर नीति आयोग वाई जेड रिपोर्ट द एमएसपी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी लो इस तरीके से आपको लिखना ये नहीं लिखना कि अकॉर्डिंग टू मी यू आर नोवन यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री तुम प्रधानमंत्री नहीं हो इस देश के कि तुम आई यू और मी जैसे वर्ड लिखो एंड अगर आप प्रधानमंत्री भी हो ना अगर आप प्रधानमंत्री का भी लेटर पढ़ोगे तो वो भी कभी भी इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करते हैं ठीक है ये प्रोफेशनल नेचर नहीं है आई यू एंड मी तो ये अवॉइड करना चौथा पॉइंट आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए अगर अब आपसे रिव्यू करने को बोला गया पॉलिसी ठीक है रिव्यू द पॉलिसी आपको बोला गया तो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आप कभी भी इसको कंप्लीटली नेगेटिवली नहीं लिखोगे आपने पूरा एमएसपी की धज्जियां उड़ा दी वहां पे जाकर के एमएसपी में ये कमी है एमएसपी में वो कमी है एमएसपी फलाना ढिमकाना तो ये एक बैलेंस्ड आंसर नहीं हुआ और देखो ये सिर्फ ये बात नहीं है कई बच्चे कहते हैं कि सर ल सरकारी नौकरी के लिए क्या हम झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं होता आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ आप प्राइवेट जॉब के लिए भी चले जाओ वहां पर भी उनको भी वो लोग चाहिए जो एक बैलेंस्ड व्यू रखते हैं ठीक है सिर्फ कमियां देखने वाले इंसान को कभी को कोई नहीं पसंद करता कभी कोई नहीं पसंद करता जिसको सिर्फ कमियां दिखती हैं जिसको पॉजिटिव चीजें दिखती ही नहीं अब एमएसपी पॉलिसी भारत सरकार के बड़े बड़े लोगों ने बनाई है ऐसा तो है नहीं कि वो पॉलिसी सिर्फ उसके अंदर कमियां ही कमियां होंगी कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट होंगे उसके ऑब्जेक्टिव तो पॉजिटिव होंगे क्या पता उसकी इंप्लीमेंटेशन में नेगेटिविटी हो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो पर ऑब्जेक्टिव तो कुछ तो पॉजिटिव होगा लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यू लेकर के बैठा है उसको कभी वो जैसे हम बोलते हैं ना एक होता है राइटेस्ट एक होता है लेफ्टेस्ट एक होता है मॉडरेट सो यू ऑलवेज हैव टू बी अ मॉडरेट पर्सन कि हाँ यार ये कमी है ये इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस तरीके से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए कभी भी एक तरफा आपने व्यू लेकर के नहीं चलना किसी भी आंसर में प्रधानमंत्री किसान योजना पे अगर आ गया व्यू लेकर के बैठ जाओ आप नेगेटिव व्यू लेकर के बैठ जाओ तो वो नहीं और सिर्फ पॉजिटिव व्यू लेकर के भी नहीं बैठना उसकी कमियां भी आपके पास होनी चाहिए तभी तो आप इंप्रूवमेंट करोगे सरकार आपको अफसर बना रही है आपको लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रही है वो इसलिए नहीं दे रही कि आप सिर्फ गुणगान गाओ ठीक है वो ये भी चाहती है कि आप कमियां आइडेंटिफाई कर सको और कमियां आइडेंटिफाई करके आप बता सको कि इसको कैसे इंप्रूव करना है तभी आपको अफसर बनाया जा रहा है उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है स्पेसिफिकली जब आपके ये ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर जब आप आंसर टाइप करते हो वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वहां पे ना एक टिक टिक चल रहा होता है आंसर में नीचे आपके वर्ड्स शो हो रहे होते हैं और जैसे ही आप वर्ड लिमिट क्रॉस करते हो तो वो रेड हो जाता है उस पर ध्यान रखना ठीक है वर्ड लिमिट कभी भी किसी भी हालत में क्रॉस नहीं होनी चाहिए अब कई बच्चे इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि सर ये कैसा है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है देखो पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा ही है तुम्हारे अंदर अभी इतनी शक्ति है नहीं कि तुम इस एजुकेशन सिस्टम को बदल दो तो फालतू में इसको क्रिटिसाइज करना बिल्कुल बंद कर दो अगर इतना ही तुमको प्रॉब्लम है तो पहुंचो ऐसे लेवल तक कि जहां पर जाकर के तुम बदल सको कुछ या तो तुम ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ जहां पर तुम बदल सको या फिर तुम बोलो ही मत अब जैसे हिटलर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है दैट इफ यू डू नॉट यू यू आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम फॉलो दैट सिस्टम रीच टू द टॉप ऑफ दैट सिस्टम एंड चेंज द सिस्टम ठीक है तो पहली बात तो क्रिटिसाइज मत करो फालतू में एग्जामिनेशन सिस्टम को मत दो पेपर सबसे बढ़िया चीज यही है फिर वर्ड लिमिट को स्ट्रिक्टली अडेयर करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के प्रोफेशनल ये वर्ड लिमिट का सिस्टम क्यों आता है देखो हमें कॉलेज में क्या सिखाया जाता है मेरे कॉलेज में तो ऐसे ही होता था आपके कॉलेज का पता नहीं मेरे कॉलेज में क्या होता था आंसर लिखना हमारे कॉलेज के अंदर ना पंद्रह नंबर का क्वेश्चन होता था पेपर में और ना क्वेश्चन चेक कैसे होता था मिनिमम पांच पेज लिखने हैं अगर आपने पांच पेज लिख दिए आंसर के कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने उसके अंदर क्या लिखा आपने अगर पांच पेज आंसर शीट के भर दिए तो आपको 12 13 14 नंबर मिल जाएंगे 15 नंबर किसी को नहीं मिलते थे क्योंकि टीचर को ये भी तो दिखाना होता था ना कि मैं पागल थोड़ी हूं 15 सिर्फ उसको मिलते थे जो क्लास का टॉपर होता था बाकी को 12 11 13 ऐसे मिल जाते थे 5 पेज लिखे हैं तो चार पेज लिखे हैं तो दो तीन नंबर कम हो जाएंगे तीन पेज लिखे हैं तो और दो तीन नंबर कम हो जाएंगे दो पेज लिखे हैं तो और दो तीन नंबर कम हो जाएंगे तो अपने कॉलेज वगैरह के अंदर आंसर जो है वो इस तरीके से चलते थे लेकिन प्रोफेशनल दुनिया के अंदर जहां एक इंसान के पास टाइम ही नहीं है आपकी बात सुनने का ठीक है टाइम नहीं है आपने वो मूवी देखी है ओम जय जगदीश वो कहता है तुम्हारे पास वही वाली चीज वो एक्चुअल में है दुनिया के अंदर तुम्हारी कोई पांच पन्ने का तुम्हारा आंसर पढ़ने के लिए नहीं बैठा या कोई आधे घंटे तक तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए नहीं बैठा बंदा कहेगा दो मिनट है तेरे पास अपना पॉइंट रख सकता है तो रख दे ठीक है और इसी चीज को एनकरेज करने के लिए वर्ड लिमिट वाला सिस्टम जो है लेकर के आया गया है कि आप कम में अपनी पूरी बात कैसे रख सकते हो हाउ कैन यू टेल योर व्यूज योर थिंग्स इन अ शॉर्ट कंटेक्सट और इसीलिए वर्ड लिमिट को फॉलो करना है और पेपर के अंदर वर्ड लिमिट की बहुत तकड़ी नेगेटिव मार्किंग है कई लोग आपको कह देंगे कुछ नहीं फर्क पड़ता जैसे ही आपका वो लाल निशान हुआ उसके बाद आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे ठीक है एंड रिमेंबर कि जो आपका मेजर आंसर का कंट्रीब्यूशन है ना वो बॉडी पार्ट को होना चाहिए अब आप कहोगे कि सर चार मैं तो आपको 400 वर्ड का आपका आंसर लिखना है तो आप कहोगे सर 400 वर्ड के अंदर किस तरीके से मेरा आंसर होना चाहिए देखो मैं कहता हूं कि इंट्रोडक्शन आपका कितना होना चाहिए इंट्रोडक्शन बेटा आपका होना चाहिए फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड्स के बीच में इससे ज्यादा नहीं ठीक है कंक्लूजन भी अगेन फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड मैक्सिमम मैक्सिमम इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी क्वेश्चन का तीस वर्ड में भी खत्म हो जाए चालीस वर्ड में भी खत्म हो जाए कंक्लूजन भी हो सकता है तीस वर्ड में भी आइडियली जो मैक्सिम है मैं आपको ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैक्सिमम लिमिट ठीक है और जो बॉडी है अब चार सौ वर्ड में पचास आपने फॉर एग्जाम्पल इंटरवो दे दिए कंक्लूजन के पचास दे दिए बचे कितने तीन सौ तीन सौ वर्ड आपकी बॉडी लेकर के जाएगी ये आइडियल आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सिमिलरली आपका जो 600 वर्ड का है उसके अंदर भी यही रहेगा 50 से 60 वर्ड इंट्रोडक्शन 50 से 60 वर्ड कंक्लूजन बाकी के बचे हुए 500 वर्ड आपकी बॉडी लेकर के जाएगी क्योंकि डेफिनेटली उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी लेंदी होगी अच्छा इसके अंदर एक चीज और ध्यान में रखनी है कभी भी ये मत सोचो कि अगर छे वर्ड का आंसर है तो मेरे को जबरदस्ती छे वर्ड लिखने ही लिखने मैं आपको बताऊं आपका टारगेट क्या होना चाहिए अगर आपका चार वर्ड का आंसर है ना तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उसको थ्री फिफ्टी टू थ्री सेवेंटी फाइव वर्ड्स में खत्म कर दो ठीक है ये एक बड़ा अच्छा तरीका है अल्टीमेटली आपका पेपर टाइम पर खत्म करने का देखो ये चीज मैं बार बार वैसे तो रिपीट कर चुका हूं मैं आपको एक बार और बता देता हूं क्योंकि यूट्यूब पे हमने नहीं डिस्कस किया उसको जनरली आप जानते हो कि आपको दो क्वेश्चन चार वर्ड के करने हैं जो दस मार्क्स के हैं और दो क्वेश्चन आपको छ वर्ड्स वाले करने हैं जो पंद्रह मार्क्स के होते हैं ये आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने होते हैं ठीक है जो आपके मार्क्स कैरी करते हैं यानी कि टोटल आपको दो हजार वर्ड लिखने होते हैं ठीक है और ये दो हजार वर्ड आपको कितने टाइम में लिखने होते हैं इसके लिए आपको टाइम मिलता है नब्बे मिनट का तो अगर आप दो हजार वर्ड को नब्बे से डिवाइड करते हो दो हजार वर्ड को नब्बे से डिवाइड करते हो तो अराउंड ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू वर्ड्स पर मिनट आता है ये पर मिनट आपको वर्ड टाइप करने हैं वहां पर ठीक है और इसके अंदर कोई इस थिंकिंग प्रोसेस का टाइम नहीं है आपके पास कि हाँ आप दस मिनट ऐसे बैठे हो सोच रहे हो आंसर को कोई टाइम बाइस पॉइंट बाईस वर्ड पर मिनट आपको लिखना है अगर आप चार सौ चार सौ और छो छो वर्ड लिखते हो और इसके लिए काफी अच्छी खासी स्पीड चाहिए आपको सोचते सोचते और ये आपको सोचते हुए टाइप करना है क्योंकि सोचने का तो आपको अलग से टाइम ही नहीं मिल रहा ठीक है तो डेफिनेटली ओवर करना तो कोई चांस ही नहीं है कि आप ओवर कर जाओ वो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता अगर आप ओवर जा रहे हो तो वो कम बेवकूफी है इनफैक्ट आपको तो ये सोचना चाहिए कि यार मेरे को कैसे अपने मैक्सिमम पॉइंट चार वर्ड के साढ़े तीन सौ से तीन सौ पचहत्तर वर्ड में करने हैं और छह सौ वाले के पांच सौ पचास वर्ड तक मेरे को खत्म करना है तो अल्टीमेटली अगर मैं लगाऊं कि यार आपने थ्री सेवनटी फाइव के दो आंसर लिख दिए ठीक है थ्री सेवनटी फाइव के दो आंसर लिखोगे आप अगर तो आपका साढ़े सात सौ वो हो गए और 550 के दो ये हो गए आपके 1100 ठीक है तो ये आपका कितना हो गया 1850 हो गए 1850 वर्ड आपका पेपर खत्म करना है तो अगर आप 1850 पे ले जाते हो अपने आंसर को तो आपका ट्वेंटी का वर्ड पर मिनट आ गया ठीक है ट्वेंटी वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड आपको चाहिए सो यू नीड अ ग्रेट स्पीड एंड डू नॉट एवर ट्राई आप आ, लंबा आंसर लिखो आप उल्टा उसको छोटा रखने की कोशिश करो ठीक है ताकि आप मेनली अपने आंसर को खत्म कर पाओ एक और चीज जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटा नॉर्मल वोकैबलरी यूज करनी होती है बहुत कोई हाई फाई वर्ड नहीं यूज करने पड़ते आप कोई सरकार का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के देख लो आप कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ के देख लो आप आर की वेबसाइट पे जा करके देख लो आप नबार्ड की वेबसाइट पे जा करके देख लो आप सरकार की एनुअल रिपोर्ट खोल के देख लो आपको बड़ी सिंपल भाषा के अंदर वहाँ पर टेक्स्ट मिलेगा तो सिंपल लैंग्वेज यूज करनी होती है ठीक है सिंपल लैंग्वेज यूज करनी होती है ठीक है बहुत कोई हाईफाई आपको शशि थरूर नहीं बनना है वहाँ पर अगर कोई कह रहा है ना कि नहीं यार अच्छे वर्ड यूज करने चाहिए अच्छा इंप्रेशन पड़ता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेकार है क्योंकि आप मुश्किल वर्ड यूज़ करोगे कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे उसको सोचने में टाइम भी ज्यादा जाएगा तो जितना सिंपल हो सके उतना रखें और ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करें ठीक है ग्रामेटिकल एरर्स का क्या मार्क्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है ये आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपने कॉमा नहीं लगाया फुल स्टॉप नहीं लगाया लेकिन वो आपके आंसर पे डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है ठीक है तो कॉमा फुल स्टॉप्स इन सबका जो है ध्यान रखें ये चीजें जो हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के अंदर तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप आंसर लिख रहे हो कुछ चीजें और हैं जिस जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है डोंट ड्रिंक टू मच वाटर किसी भी कंडीशन में आंसर के टाइम जब आपका पेपर चल रहा है ठीक है उस टाइम पर आपका यूरिन प्रेशर नहीं क्रिएट होना चाहिए आपको यूरिन प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं पहली बात तो वो आपको जाने नहीं देंगे पेपर में दूसरी बात अगर जाने दिया तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा अगर आप जाने आने में पांच मिनट भी लगाते हो तो पांच मिनट के हिसाब से आपके सौ वर्ड्स का जो टाइम था सौ वर्ड्स टाइप करने का जो टाइम था वो खत्म हो गया दूसरी चीज अगर वो आपको जाने नहीं देगा जाने नहीं देगा तो आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर एग्जाम को लिखोगे अगेन जो आपकी स्पीड और आपकी एफिशिएंसी को हिंडर करेगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अब ऐसा नहीं है इसके अंदर भी कुछ क्रिटिसाइजर्स आ जाते हैं कि यार पानी भी ना पिए बेटा ऐसा होता है प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा करना पड़ता है अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल होना जरूरी होता है ठीक है तो आप बहुत ज्यादा पानी ना तो पी करके जाए और ना पेपर के दौरान पिए क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर डाल देगा ठीक है ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा कि अपने यूरिन प्रेशर को कंट्रोल करो वॉशरूम ना जाओ लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड इट दूसरा टाइप करते हुए आपका जो डोंट इरेज टू मच अगर आप बार बार इरेज कर रहे हो ठीक है आप बैक स्पेस से डिलीट uh, कर रहे हो तो पहली सोच समझ करके लिखो बेटा क्योंकि उसमें क्या हो रहा है आप डबल टाइपिंग कर रहे हो पहले ही आपको बीस बा, बीस बाईस वर्ड पर मिनट लिखने हैं आप और ज्यादा बढ़ा लोगे अगर आप बार बार उसको आपको इेज करना पड़ रहा है तो डोंट डू दैट नेवर डू दैट ठीक है क्योंकि वो चीज आपको काफी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ठीक है अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी के टाइम में एक कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करो जितना हो सके अब कुछ लोगों के घर पे लैपटॉप होंगे कीबोर्ड नहीं होगा तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 500-600 रुपए का कीबोर्ड बड़ी इजीली मिल जाता है जो आपके लैपटॉप के साथ भी अटैच हो जाता है मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पीसी जाकर के खरीदो आप एक कीबोर्ड खरीद लो जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड्स होते थे ना जो पहले कंप्यूटर्स के साथ आते थे वैसा कीबोर्ड खरीद लो अगर कर सकते हो नहीं कर सकते तो लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस करो लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं शीट के ऊपर आंसर लिखते हैं जैसे हमारे पास भी चेक करने के लिए भेजते हैं ना तो कागज के ऊपर लिख करके भेज देते हैं मैं पूछता हूं उससे कि यार फायदा वहां पर जो तेरी स्पीड है वो तो टाइप करने में होनी चाहिए कागज पे लिख के तू क्या कर लेगा नहीं सर बस प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो तेरे को पेपर के लिए कर रहा है ना तू ठीक है अब तेरे को आंसर सारे आते हैं तेरी आंसर राइटिंग बड़ी अच्छी होगी कागज पे लिख लिख कर लेकिन वहां पर जाकर तू टाइप ही नहीं कर पाया तो कंप्यूटर के की के ऊपर प्रैक्टिस करो दूसरा सेल्फ इवेल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे क्या करते हैं किसी ना किसी टीचर को ढूंढते रहते हैं मेरा आंसर चेक कर दो मेरा आंसर चेक कर दो बिल्कुल ज़रूरी है वो भी टीचर आपको एक रिव्यू देता है लेकिन आपको दिन में कम से कम दस आंसर अगर लिखने हैं तो दस के दस तो किसी टीचर के पास टाइम नहीं है चेक करने का सेल्फ इवेल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आंसर लिखने के बाद शिद्दत से बैठ करके कि हाँ यार फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा गूगल के ऊपर रिसर्च करके कि हाँ ये पॉइंट्स आ सकते थे ये मेरी कमी है यहाँ पे मेरा एरर हो गया जल्दबाजी में ये मेरा स्पेलिंग गलत हो गया वो सब चीज़ें चेक करनी है वर्ड लिमिट क्रॉस कर गया अपने दोस्तों के आंसर चेक करो और उनको बोलो कि तुम्हारा आंसर चेक करके रिव्यू दें जितना हो सके फैक्ट डाटा को यूज करो प्रैक्टिस के टाइम पर बच्चे प्रैक्टिस के टाइम पर यूज ही नहीं करते तो वो आपके एक अंदर आएगा ही नहीं कि आप उसको यूज कर पाओ ठीक है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीजें ध्यान में रखें जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है तो अभी मेरे को इतना ही डिस्कस करना था आपसे बाकी मैं आपके साथ अब आंसर्स डिस्कस करने शुरू करूंगा एक एक लेक्चर डालूंगा एक एक क्वेश्चन के लिए 10-15-20 मिनट का लेक्चर होगा वो आपने आंसर देखना है कि किस तरीके से मैं बता रहा हूं क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए क्या उसके अंदर आप कंटेंट डाल सकते हो एंड अल्टीमेटली यू विल ट्राई टू राइट इट योर सेल्फ और फिर उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या मेल कर सकते हो वो आंसर अपने ओके उसके अलावा कोई भी डाउट हो दोस्तों यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर एंड बाय